हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर राज पटेल, मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लेडीज की जो सबसे बड़ी समस्या है, लेडीज का जो कान का छेद है वो हैवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या इम्बेलेंस की वजह से वो काफी लंबा हो जाता है, काफी चौड़ा हो जाता है, कभी कभी वो नीचे से पूरा कट जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो समस्या है उसको बिना टाका लगाए कान का जो छेद है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, ये मेरे पास मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। ये किट में ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का जो छेद है उसको ठीक किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक किट में से ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का छेद कैसे ठीक करते हैं वो देखते हैं। ये जो किट है उसको हम पहले ओपन कर लेंगे। ये किट में पूरा सब चीज साथ में दिया गया है। इसमें ये ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये वुडन स्टिक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड दिया गया है, डॉक्टर टेप दिया गया है और ये कॉटन ब्रश है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं ये जो बेंजी है उसका जो कान का छिद्र है वो काफी बड़ा हो चुका है। आप देख सकते हो ये जो बेंजी है इसका जो कान का छेद है वो काफी बड़ा हो चुका है, काफी लंबा हो चुका है। इसको हम आज ये ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर परमानेंट कैसे बंद करते हैं उसका पूरा प्रोसेस हम आज देखने वाले हैं। इसके लिए पहले जो अपना हैंड है उसका हैंड हाइजीन का पूरा ख्याल करेंगे। इसके लिए हम अपना हाथों में हैंड ग्लोव पहन लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम ये हैंड सैनिटाइजर लगा देंगे। पहले जो कान का छिद्र है उसका हम एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर इसको अच्छे से सफाई कर लेंगे। इसे एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाकर कान का छिद्र है उसको ऐसे हम सफाई करेंगे, छेद के अंदर के हिस्सों में से सफाई कर लेंगे, आगे की तरफ से सफाई करेंगे, फिर हम पीछे से भी इसको अच्छे से सफाई कर लेंगे। सफाई करने के बाद हम ये कान का जो छिद्र है उसको पूरा ड्राई कर देंगे, आगे से भी और पीछे से भी पूरा ड्राई कर लेंगे। अब हम ईयर पेस्टिंग लोशन लगाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें ये टूथपिक चाहिए। ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन है उसको पहले उसका जो ढक्कन है उसको पहले हम आराम से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये टूथपिक है उसको हम एक बोतल के अंदर की साइड में ऐसे डुबाएंगे। डुबाने के बाद बाहर निकालने से पहले बोतल के अंदर की सरफेस से ऐसे डिप कर लेंगे ताकि ये लोशन की जो अधिक मात्रा है वो बोतल में वापस चली जाए। अब ये कान का जो छिद्र है उसके अंदर के हिस्सों में ऐसे हम इसको पहले क्लॉकवाइज लगाएंगे ऐसे, उसके बाद हम इसे एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इसको अप्लाई करेंगे। लगाने के बाद इसको हम 2 मिनट तक सूखने देंगे और पूरा ड्राई हो जाने के बाद हम इसके ऊपर डॉक्टर टेप लगाकर ड्रेसिंग कर देंगे। 2 मिनट सूखने के बाद हम इसके ऊपर ऐसे डॉक्टर टेप लगाकर ड्रेसिंग कर देंगे। ये हमने डॉक्टर टेप लगाकर पूरा ड्रेसिंग कंप्लीट कर दिया है। ये जो बेंजी है इसका जो ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि ये जो बेंजी है इसका आफ्टर 15 डेज इसका कैसा इतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है वो हम आफ्टर 15 डेज देखेंगे। तो आप ये वीडियो में बने रहे। हेलो फ्रेंड्स, ये जो बेंजी है वो आज से 15 दिन पहले हमारे पास ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट करवा के गए थे। तो उसका जो कान है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जॉइंट हो चुका है। तो वो अपना जो कान है उसमें वो दूसरा ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, इसलिए वो कान में दूसरा छेद बनवाने के लिए आए हैं। तो हम आपको ये भी दिखाते हैं कि जो हमने आज से 15 दिन पहले ये जो माता जी है उसका जो हमने ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर जो ट्रीटमेंट किया था उसका कैसा रिजल्ट रहा है तो देखते हैं। आप देख सकते हो ये जो माताजी का जो कान का जो छेद है वो बिल्कुल अच्छी तरह से जॉइंट हो चुका है, बहुत अच्छे से जॉइंट हो चुका है। और ये जो आपको ब्लैक लाइनिंग दिख रहा है वो भी धीरे धीरे करके चला जाएगा। अब हम ये माताजी है उसका जो कान है उसमें दूसरा छेद बनाएंगे।
तो छेद बनाने से पहले जहां पर हमको ये छेद बनाना है वहां पर एक मार्किंग बना लेंगे ताकि उसके ऊपर हम दूसरा छेद बना पाए। तो पहले हम इसके ऊपर मार्किंग बना लेते हैं। ये जो कान है उसके ऊपर हम इस तरह से मार्किंग बना लेंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये मार्किंग बना लिया है। अब हम ये जहाँ पर हमने मार्किंग बनाया है वहाँ पर हम ये ईयर पियर्सिंग गन की मदद से माताजी का जो कान है उसमें दूसरा छेद बनाने जा रहे हैं। तो पहले ये जो ईयर पियर्सिंग गन है उसको हम ऐसे लोड कर लेंगे। ये जो ईयर पियर्सिंग गन है उसको पहले हम इस तरह से लोड कर लेंगे। फिर ये जो ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है आप देख सकते हो ये ईयर पियर्सिंग का स्टड है उसको हम एक गन है उसके अंदर ऐसे फिटिंग कर लेंगे। ये मैंने ईयर पियर्सिंग का स्टड है वो ईयर पियर्सिंग गन के अंदर अच्छे से फिटिंग कर लिया है। अब हम ये माताजी है उसका कान है उसमें दूसरा छेद बनाने जा रहे हैं। ये ईयर पियर्सिंग करने से पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको हम इस तरह से नीचे की तरफ खींच कर रखेंगे। फिर हमने जहाँ पर ये ईयर पियर्सिंग के लिए मार्क बनाया है उसी के ऊपर हम ये ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसका अच्छे से निशाना लगाएंगे। अच्छे से निशाना लगाने के बाद हम ये जो ईयर पियर्सिंग गन है उसको अनलोड करेंगे तो यहाँ पर ये दूसरा छेद बन जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड कर रहा हूँ। ये मैंने ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड कर लिया है और आप देख सकते हो ये जो कान है उसमें दूसरा छेद बन गया है और अच्छे से ज्वेलरी भी पहना दिया है। आप देख सकते हो अच्छी तरीके से हमने ये कान है उसमें दूसरा छेद बनवा के ज्वेलरी पहना दिया है। आप देख सकते हो ये जो माताजी है उसका ईयर का पेस्टिंग का ट्रीटमेंट और उसके बाद इसमें दूसरा छेद बनवाने का यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग का ट्रीटमेंट, ये दोनों ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये माताजी से इस ट्रीटमेंट के बारे में कुछ राय लेते हैं। माताजी आपको ये ट्रीटमेंट करवाया तो आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई प्रॉब्लम वगैरह कोई परेशानी कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपको कोई दर्द वगैरह कुछ? कुछ नहीं। आपको इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह हुआ हो ऐसा कुछ? अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? ओके आप ये ट्रीटमेंट से खुश हो? बहुत खुश है। अच्छा और आपने ये ट्रीटमेंट मेरे पास लिया तो आपका कान है वो कितने दिन में जुड़ गया था? 15 दिन में मेरा कान अच्छे से जुड़ गया था। 15 दिन में आपका कान अच्छे से जॉइंट हो गया था ना? और आपको ट्रीटमेंट के दौरान कोई परेशान कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं हुआ? अच्छा बहुत बढ़िया। ये माताजी है उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और उसको ये 15 दिन में अच्छे से रिजल्ट भी मिल गया है। अगर आप भी आप अपने घर बैठे ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हो या आपका प्रोफेशनल यूज़ के लिए आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हो यदि और आपको ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई क्वेरी है या आपको ये ट्रीटमेंट के लिए कोई जानकारी चाहिए या फिर आपको ये ट्रीटमेंट सीखना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर आ सकते हो और नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उसी में आप हमारे साथ संपर्क भी कर सकते हो। अगर आप ये प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हो तो हम आपको प्रोवाइड भी करते हैं और हम आपको इसका प्रॉपर गाइडेंस भी करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।